गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, साइंटिफिक फैक्ट चेक कोविड 19 के दूसरे एपिसोड में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज बात करेंगे क्या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कोविड 19 का इलाज है, क्या साइंटिफिकली हमारे पास इसके एम्पिरिकल एविडेंसेस है। इस एपिसोड में हम साइंटिफिक फैक्ट चेक करेंगे कोविड 19 के ताल्लुक से। जब हमने इसके सिलसिले में साइंटिफिक लिटरेचर को ढूंढा तो पता यह चला कि फरवरी से अराउंड जैन एंड और फरवरी से अप्रैल अभी तक तकरीबन 68 पेपर्स लिखे जा चुके हैं। ये पेपर्स कोविड 19 के इलाज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ताल्लुक से हैं। इसमें से 10 डोमेन के पेपर्स मैंने अलायदा किए हैं इन 3 से 4 महीनों में, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने कह लीजिए आप। इसमें तकरीबन 68 पेपर्स लिखे गए। ये 68 पेपर्स कोविड 19 के इलाज और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ताल्लुक से थे। इसमें 10 डिफरेंट डोमेन्स में मुझे ये पेपर्स मिले हैं। ये डोमेन्स कुछ इस तरह से है, जिसमें सबसे ज्यादा रिव्यू आर्टिकल्स हैं। रिव्यू आर्टिकल्स ये होते हैं जिसमें पहले के जमाने में जो कुछ साइंटिफिक काम हुआ है उसको लोग रिव्यू करते हैं। दूसरे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का आंखों पर क्या असर हो सकता है उसके ताल्लुक से थे। कुछ डायबिटीज और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल के ताल्लुक से थे और कुछ कार्डियोवैस्कुलर एस्पेक्ट्स जो है कार्डियोवैस्कुलर एस्पेक्ट्स उसके ताल्लुक से थे। इसी तरीके से कुछ थीमेटिक पेपर्स थे और कुछ इसी तरीके से जो हम जानते हैं ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इंपैक्ट ट्रांसप्लांटेशन वगैरह पे क्या हुआ है जो कोविड 19 वगैरह से मुतासिर पेशेंट थे उन पर। इस तरीके से 68 पेपर्स में अगर आप देखें तो इसको हमने यहां पर मैंने एक ग्राफ की शक्ल में बनाया है, उसको आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10 पेपर्स ऐसे हैं जो सिर्फ रिव्यू आर्टिकल है। इसी तरीके से सिर्फ एक पेपर ऐसा है जो ऑप्थेल्मिक ऑब्जेक्ट बात करता है, एक पेपर ऐसा भी है जो कि और डायबिटिक हाइपरग्लाइसीमिया वगैरह के ताल्लुक से बात करता है। इसी तरीके से कार्डियोवैस्कुलर एस्पेक्ट और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल, गर्ज अगर आप केयरफुली एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के मुतालिक जो उसके इलाज के ताल्लुक से पेपर्स आए हैं वो सिर्फ 2 हैं और दोनों जो है इन्फेक्शन के जो जर्नल्स हैं उनमें शाये हुए हैं। सिर्फ 2 पेपर्स हैं और उनमें एक में जिन मरीजों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया गया उनकी तादाद 24 है, दूसरे में 16 है। आम हालात में इतने कम सैंपल साइज पर पेपर एक्सेप्ट नहीं किए जाते, लेकिन चूंकि ये एक पैंडेमिक सिचुएशन है इसलिए पीयर रिव्यूज में इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप उन पेपरों को भी गौर से पढ़ेंगे तो उनमें यह बात क्लियर नहीं है कि सिर्फ खालिस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की वजह से ही ये पेशेंट अच्छे हुए, बल्कि उनको एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जिसको आप कहते हैं जो HIV के लिए और दूसरे इसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं वो भी दिए गए। तो इससे जो सिनारियो बनता है, इससे इंटरेस्टिंग और बात ये हुई कि 2 पेपर उसी जर्नल में ये पब्लिश किए गए कि ऐसा कोई इंपैक्ट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का नहीं है। उन सब के रेफरेंसेस वगैरह मिल सकते हैं। तो फिर आखिर क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जवाब है हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए कि एक पैंडेमिक सिचुएशन है, इससे पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डिफरेंट रेट्रोवायरल ड्रग्स के साथ इस्तेमाल किया गया है, डिफरेंट RNA बेस्ड वायरसेस में, जैसे ये कोरोना वायरस भी RNA बेस्ड वायरस है। इसी तरीके से चूंकि ये एक एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है और जो प्राइमरी फोकस होता है इस वायरस के डिजीज पैथोजेनेसिस का वो ये कि वो एक तरह का इन्फ्लामेशन जो है पैदा करता है हमारे फेफड़ों में, तो एक एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है तो चूंकि इसके साइड इफेक्ट भी कम है इसलिए यूज किया जा सकता है। लेकिन क्या साइंटिफिकली, प्योर साइंटिफिकली हमारे पास कोई ऐसा क्लियर कट एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है? और ये सारा का सारा जो पूरा एक आप सुन रहे थे पढ़ रहे थे मीडिया में, इसको मैं कॉग्निटिव क्लोजर का नाम देता हूं। यानी आपको इतनी बड़ी पैंडेमिक के लिए इंसान बेबस फील कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसको होप चाहिए, कोई तो इलाज होगा, कुछ तो किया जा सकता होगा वगैरह वगैरह। तो इसके ताल्लुक से अगर आप बात करें तो ये बात सब समझ में आती है कि ये कॉग्निटिव क्लोजर के लिए ठीक है, होप के लिए ठीक है और इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन प्योर क्लिनिकल ट्रायल बेसिस पे, प्योर साइंटिफिक एस्पेक्ट पे अभी तक हमारे पास इसका कोई वाजे सबूत नहीं है। तो 3-4 पॉइंट इस लेवल में हमको ये बात समझनी चाहिए। नंबर 1 ये कि क्लोरोक्विन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन
एज अ ट्रीटमेंट इज नॉट इम्पिरिकली सपोर्टेड बाय साइंटिफिक रिसर्च. नंबर वन. देयर आर फॉर एंड देयर आर अगेंस्ट प्रूफ फॉर दिस. यानी कुछ सबूत है कि इस्तेमाल किया सकते हैं, उतने ही सबूत है कि इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. चूंकि यह पार्शियली वर्क किया है इसने डिफरेंट आरएनए वायरसेस में, इसलिए हो सकता है कि इसको इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है. एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जिसको आपको समझना चाहिए कि वो ये कि साइंटिफिक सर्कल्स में जब हम इंपिरिकल एविडेंस की बात करते हैं तो एक सब्सटेंशियल एविडेंस होना चाहिए. वह एविडेंसेस तो फॉर में भी है, अगेंस्ट में भी है, लेकिन एक सब्सटेंशियल एविडेंस होना चाहिए. वो सब्सटेंशियल एविडेंस अभी हमारे पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए नहीं है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो एक दूसरा बहस है, डिबेट है. एक दूसरा एस्पेक्ट यह भी था कि पूरी सियासत चली है, पूरी पॉलिटिक्स चली, जिसको मैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ साइंस कहता हूं. और ये पूरा एक जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स की अपनी मजबूरियां होती है, उसके अपने तकाजे होते हैं, उसके लिहाज से चलाया जा सकता है. लेकिन साइंटिफिकली अगर आप इसको रैगरस स्टडी के तौर पर देखेंगे तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोई बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग टारगेट नहीं है. इसके अलावा भी बहुत सारी थेरेपीज है. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्यों फोकस में आ गई, क्योंकि चीप थी, अवेलेबल थी, पहले से साइड इफेक्ट्स कम है वगैरह. इसके अलावा बहुत सारे ट्रीटमेंट है. अच्छा, ये बनाने का मकसद क्या है ये वीडियो, क्या क्यों अगर इस्तेमाल हो रहा है तो अच्छी बात है भाई, क्यों ना करें. हमारा मानना ये है कि जब इस तरह के कॉग्निटिव क्लोजर्स होते हैं, जब हमको ये इतना दिला दिया जाता है कि भाई ठीक है हो जाएगा इलाज, तो जो नॉवल ड्रग्स डिस्कवरी हो सकती थी वो इंपिडिमेंट उसमें होता है. लोग थोड़े सुस्त पड़ जाते हैं, लोग सोचना छोड़ देते हैं, पॉलिटिकल विल कम हो जाता है. इसलिए हमारा मानना यह है कि इस तरह के जितने भी ड्रग टारगेट है उसको एक पोटेंशियल ड्रग टारगेट के तौर पे देखा जाए, और ऑलरेडी टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, चाइना में है, नीदरलैंड में है, उसको कंटिन्यू किया जाए. और खासतौर पर हमारे मुल्क में, चूंकि हमारा एक बड़ा प्रोडक्ट है और सिप्ला ने उसको सबसे पहले बनाया था, हम सब जानते हैं यह ड्रग पहले मलेरिया के लिए इस्तेमाल होता था, है ना, ये भी आपको पता है. तो हमले इसमें लीड लेना चाहिए, हमले कोशिश करना चाहिए, और इन ट्रायल को प्रोएक्टिव होकर करना चाहिए, ना कि किसी के सबऑर्डिनेट बल के. तो साइंटिफिक फैक्ट चेक कोविड-19 के दूसरे एपिसोड में अभी इतना ही, फिर मिलेंगे आफ्टर सम टाइम. तब तक के लिए सेफ रहिए.